कुछ यूट्यूबर्स के साथ खेलने वाली हूँ हाइड एंड सीक चैलेंज, और इनमें से जो भी लास्ट तक इस बड़े से अम्यूजमेंट पार्क में छुपा रहेगा उसको मिलेगा ये 1,00,000 रुपए का कैश प्राइज। और इनका टाइम स्टार्ट होता है अब। अरे अब स्टार्ट हो गया, वो स्टार्ट हो गया भाई, भाग। और इन लोगों के पास छुपने के लिए बस 15 मिनट है, देखते हैं आज इनमें से कौन बाजी मारेगा। और हाँ, थैंक्स टू वर्ल्ड्स नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म पारीमैच, जिनकी वजह से आज हमारा ये इवेंट पॉसिबल हो पाया। इन लोगों को ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये वाटर पार्क बहुत बड़ा है और इसमें छुपने की है हजारों जगह। भाई जगह ही नहीं मिल रही, जगह ही नहीं मिल रही, जगह ही नहीं मिल रही। मैं सोच रही हूँ ऊपर जाके छुप जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ भी है। देखता हूँ कहाँ मिलती है जगह। भाई मैंने पापा को बोल दिया बैंक बंद मत होने देना, 1,00,000 रुपए लेके आ रहा हूँ, 1,00,000 का सवाल। तो भाई मैं सोच रहा हूँ इस झाड़ी के अंदर घुस जाऊँ, तिरपाल के अंदर छुप जाए। अंश ने कोई जगह तो ढूंढी है बहुत ही, पता नहीं कहाँ से क्या। मेरी स्ट्रेटेजी है जितना दूर रह सकते लोगों से उतना दूर। भाई जगह नहीं मिल रही यार। भाई काम करते सुनो, हमें ना यहाँ बैठा लो, हमारे ऊपर कपड़े रख दो। भाई बहुत सही है, वहाँ कसम ढूंढ ही नहीं पाएगी कभी। ये बात भी यहाँ छुपना मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं आएगी। इसके अंदर छुप जाऊँ क्या? और यहाँ पे बहुत गजब बदबू है। तो गाइस मैं छुप गया हूँ, मैं तेरे को ऐसी जगह ले आया हूँ, पहले अंदर आया। अगर है ना हम दोनों लास्ट तक बच गए, मेरे साथ बचे, क्योंकि अगर यहाँ से देखेगी तो हम उधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, क्योंकि ये है ना शायद मेरे हिसाब से कोई ना कोई वो है, क्या बोलते हैं स्लाइड है। तो गाइस इनके छुपने का टाइम अब खत्म हो चुका है और मेरे खोजने का टाइम चालू हो चुका है। आ जाओ भाई, ये सबके सब यूट्यूबर हैं और सबके सब क्रेजी है भाई, मेरे को इनके पीछे भागना पड़ेगा और अपना बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये कहाँ कहाँ छुप सकते हैं। पे तो टूटेगी तो नहीं, यहाँ तो कोई नहीं ढूंढ सकता भाई। मच्छर ही मच्छर है, ढक दे इसको पूरा अच्छे से। भाई यार बहुत गंदा होने वाला हूँ, पसीना भी आ गया। मैंने लगा तो दिया कि ऐसा तो नहीं लगा जैसे अलग ही पहचान में कुछ ना कुछ कर रहा है भाई, वो भी मुझे डर तो है। अब थोड़ी देर के लिए हम छुप जाते हैं, क्योंकि अभी वो यहाँ पे आएगी। गाइस मेरे को नहीं लगता इस जगह तक ना कोई आ पाएगा, क्योंकि एक टंकी दे रही और इसके अलावा ना यहाँ पे भी टंकी और यहाँ पे वॉल है। मैं कोई भी जगह नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, एक आधा ही घासों में लेटा मिले मुझे। बैलेंस घास में तो नहीं है तू भाई, बैलेंस कहीं भी छुप सकता है। मेरे को बहुत डर लग रहा है, ये कम से कम 1,00,000 रुपए के लिए ना मैं इतनी टेंशन ले रहा हूँ, शायद वो कहीं नहीं छुप सकता है। ये सब अभी मुझे हल्के में ले रहे हैं मेरी पावर को। आ जाओ इनको पता नहीं भाई, मैं दिख रहा हूँ भाई, दिख रहा हूँ अब भाई, दो देखो यही यही पे रहूंगा मैं, सही कर दो भाई जूता। बैलेंस मैं कैंटीन में हूँ, अगर यहाँ पे खाने के आस पास तुम हो तो बता दो। चुप हो गया, अब नहीं बोल रहा, अभी तक तो बहुत बोल रहा था, अब इसकी जुबान नहीं खुल रही। पीछे देखो गाइस, सामने निशुदी खड़ी है। तो गाइस वो वाला प्लान तो फेल हो चुका था, पर अब मिली है मुझे बहुत ही सही जगह। नहीं इसमें तो नहीं है भाई, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी, हर जगह ढूंढूंगी भाई। ये तो किचन एरिया जहाँ खाना बनता है भाई, मेरे तो सांस खत्म हो गई इनको ढूंढने के चक्कर में। भाई हम फंस चुके भाई बाढ़ में, और यहाँ पे इतना सारा पानी आ रहा है, विश्वास नहीं करोगे। देखो बाउंड्री के अंदर रहने को बोला है, और ये बाउंड्री है, वो बाउंड्री में ये कॉटेज है बस। फिर मैं तो मुर्थन के पराठे खाने जा रहा हूँ, 10,000 रुपए दे दो। ये मेरे को बहुत हल्के में ले रहे हैं, और ये बात मेरी ईगो पे लग रही है। यहाँ तो कोई नहीं है, पर यहाँ पे चांसेस बहुत है कि हमें एक आधा मिल जाए। अंदर चांसेस बहुत है भैया, ये कौन सी जगह है यार, कपड़े चेंज कर रहा है। मुझे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्वत सा ना बना हुआ है, इसके अंदर ना खोखला सा, इसके अंदर कोई हो सकता है। भाई तू देख ले, बंदा ही तो नहीं था भाई वो, भाई ये कहीं वही बंदा तो नहीं था भाई। बंदा है। हां भाई यार पकड़ा गया। फर्स्ट वन। तो गाइस सबसे पहले पकड़ा गया सर कैस्टर। आई लॉस्ट ब्रो, पिछली बार भी आ रहा था, इस बार भी आ रहा हूँ, मेरी किस्मत में लगता है कि परी मैच से पैसे नहीं आ रहा। गाइस तो मेरा दोस्त केशव जो है सर कैस्टर, वो तो फंस गया है, और बोल रहा था बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि एंड तक जाऊंगा। भाई तुम्हारा एक बंदा हमें मिल चुका है, अब तुम भी अपनी कमर की पेटी बांध लो, और अब मैं अटैक करने वाली हूँ।
गाइस मेरे पे तरपाल डल गई है, मैंने तरपाल डाल लिया अपने ऊपर, मैं बोरी बन जाऊंगा। कोई और था निशु, मेरे से दिख तो नहीं रही यार, मैं निकलूंगा कोई और। अगर हमको आज एक लाख रुपए चाहिए तो साफ सीधी बात है ऐसी जगह पे बैठना रहना पड़ेगा अभी एक घंटे तक। भाई एक और चींटी आ गई यार, ये चींटियां भाई नहीं है यार, कहाँ छुपे हैं? मैं तो ऐसे लेटा हूँ जैसे खेतों में लेटे होते हैं। गाइस सोच रहा हूँ सो जाऊँ, किस्मत में होऊंगा तो जीत जाऊंगा। मुझे लग रहा है कि अभी निशु यहाँ से निकली है, पक्का नहीं कह सकता। भाई ये थोड़ा सा ना आउटर एरिया है, पर मैं सोच रही हूँ यहाँ भी क्यों रिस्क लेना, क्यों चांस लेना, चल के देख ही लेते हैं जब आए हैं तो। बहुत ज्यादा भयंकर वाले मच्छर, इतने खतरनाक वाले मच्छर है यार। कौन सा प्रोटीन खा के बैठे हो यार, इतना ही मार लो मर ही नहीं रहे। भाई 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 सुनो, बैलेंस बैलेंस, भंडारा हो रहा है, भंडारा। क्या मिल रहा है भंडारे में? पूरी सब्जी तंदूर जो है सब है। भैया को बोलो ना थैली लेके जाए। बेटा रुक जा तू। आप भाई देखो मैं जी रहा हूँ मेंटोस जिंदगी। कोई है मेरे सबसे सब सारे कंटेंट से ज्यादा रिस्क मैं ले रही हूँ, वो है डेंगू मलेरिया का। मैं थोड़ी झाड़ियाँ अपने सर पर रख लेती हूँ, पता ही नहीं चलेगा। कितने मच्छर खाए मैंने यहाँ चुपे रहने के। ओ भाई साहब जगह मेरा हाथ, अगली यहाँ लेटी हुई थी पूरे मच्छर ने काट काट के इसका पूरा मुंह और हाथ सब लाल कर दिया है। मैं लास्ट नहीं आई, मैं खुश हूँ। अगर लास्ट आती तो जीतती ना। नहीं यार लास्ट मतलब अगर लास्ट पहली पकड़ी जाती। अच्छा, तो पहले पकड़ी जाती तो अब कम दुख हो रहा है? अभी कम दुख है, अब कुछ खाने जा सकती ना मैं। आओ खिलाते हैं तुम्हें। चलो भाई राम्या पकड़ी गई हैं, अब हम बाकियों को ढूंढते हैं। भाई मैं तो इनको ढूंढ ढूंढ के बहुत ज्यादा थक गई हूँ, ऐसे तो ये मेरे को मिल नहीं रहे, मुझे लगता है इनको कुछ लालच देना पड़ेगा। अब अपनाते अपना दूसरा पैतरा। भाई अब मैं तुम लोगों को दे रही हूँ एक बहुत ही सुनहरा मौका। देखो यार कब तक ऐसे छुपे रहोगे, जीतना तो किसी एक को ही है। तो अगर अभी कोई इस गेम से क्विट करना चाहता है तो उसको मिलेगा एक बहुत ही बढ़िया सा मिस्ट्री बॉक्स। अच्छा थोड़ा सा हिंट दे दो, मिस्ट्री बॉक्स में है क्या? मिस्ट्री बॉक्स लेना चाहिए? अबे घंटा नहीं चाहिए मिस्ट्री बॉक्स तो। नहीं चाहिए, ऑल और नथिंग भाई। मिस्ट्री बॉक्स की बोली मत लगाओ, ऊपर से कुछ नहीं मिलेगा, एक मिस्ट्री बॉक्स मिल रहा है यही बहुत बड़ी बात है। इनको मैं मिस्ट्री बॉक्स जैसा ऑफर दे रही हूँ और ये कह रहे कि मिस्ट्री बॉक्स तो दो साथ में कैश भी दो। हाँ मेरे पापा तो आरबीआई में लगे हुए हैं। कौन आ रहा है बाहर निकल के? हम 1 लाख के लिए आए ऑडियंस, 1 लाख के लिए। नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए मिस्ट्री बॉक्स। पैसे तो होंगे क्या लगता है मिस्ट्री बॉक्स में? आईफोन 15 ना होगा, पता नहीं क्या होगा। देखो कोई एक ही जीतेगा तो इसलिए खाली हाथ जाने से अच्छा है यार मिस्ट्री बॉक्स लेकर जाओ यार। भाई मैं सोच रही हूँ कि मैं मिस्ट्री बॉक्स ले लूँ, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही है। मैंने डिसाइड किया कि मैं क्विट कर रही हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस, और मुझसे अब हो भी नहीं रहा। क्या मैं आउट हूँ, मैंने क्विट कर दिया है मिस्ट्री बॉक्स के लिए। मिस्ट्री बॉक्स लेकर आउट हो ये गेम से मानसरी, और उनको मिलता है ये। क्या है ये इतना भारी? ये भारी तो नहीं है भाई, हल्का है। ओह माय गॉड, ओ तेरे भाई टीवी मिल गया। तो भाई गाइस मानसरी को मिलता है मिस्ट्री बॉक्स में एक एलईडी टीवी। गाइस इसको तो मिस्ट्री बॉक्स में टीवी मिल गया, पर अब देखते हैं आज एंड में से कौन 1 लाख रुपए लेकर जाएगा यहाँ से। और गाइस अब आप भी प्राइजेस लाइक लैपटॉप, हेडफोन, मॉनिटर, कस्टम टी शर्ट और क्रिकेट बैट साइंड बाय पूरन जीत सकते हो। उसके लिए आपको देखो कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया, उस पर क्लिक करके पारी मैच पर एक आसान सा गेम खेलो और साइन अप करके अपने स्कोर से पूरन रेंजर्स और लकी टाइटंस लेड बाय काजल अग्रवाल में से किसी एक टीम को सपोर्ट करो। और भाई पारी मैच बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको 24/7 कस्टमर सर्विस, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन और 5 रीजनल लैंग्वेजेस मिलती है। तो तुम भी जाओ गेम खेलो पारी मैच पर और प्राइजेस जीतो। और अब मैं आ रही हूँ तुम पे प्रहार करने। भैया ने बताया कि जहाँ में छुपी पड़ी वहाँ सांप आ सकते हैं। भाई यहाँ पे ना चीटियाँ वीटियाँ बहुत है। अभी मैंने वैलेंस से बाहर से पूछा कि ऐसा लगता नहीं रहा कि कोई बैठा हुआ इसके अंदर। अभी अभी अनाउंसमेंट हुई कि मानसवी मिस्ट्री बॉक्स लेके निकल चुकी है और भाई निशु भी हमारे साइड आ रही है, तो मेरी धड़कन बहुत तेज होने लग गई है। मेरे को लगता है सबसे छोटा क्रिएटर मैं ही हूं सब में। पर कोई नहीं, तुम्हारा भाई भी ऊपर होगा एक दिन। आ रही हूं मैं। भाई 1 लाख रुपए का गेम
मुझे समझ आ गया, सारे के सारे जी जान लगा के छुपे हुए हैं और मुझे भी जी जान लगा के ढूंढना पड़ेगा। वैसे भाई मजा तो आ रहा है हाइड एंड सीक गाइस, जिस जिस जगह पे होना चाहिए वहाँ तो नहीं मिल रहे। मतलब ऐसी भी कुछ एक्सट्रीम जगह है यहाँ पे जहाँ ये लोग छुपे हैं। मेरे आगे पोलर बियर हाइबरनेशन पे। भाई थोड़ा इधर पूल साइड भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ है ना, हो सकता है लोगों के बीच में कोई छुपा हो। कहीं इनमें घुल मिल तो नहीं गए? समझ नहीं आ रहा भाई क्या करूं, गर्मी डर। ओ यूट्यूबर मेरे सामने खड़ी है भाई। ये इतना बड़ा वाटर पार्क है ना कि इतनी सारी जगह में क्या बताऊं। अरे यार मेरे जूते खराब हो गए। हम लोग बैठे हुए हैं, मेरे को लिटरली बहुत ज्यादा वाली भूख लग रही है। कोई है कोई दिखा। अरे कहाँ छुप के बैठी है? भाई साहब ये बंदी कहाँ छुप के बैठी हुई है? मतलब इतना दिमाग लगा के कौन छुपता है? मैं, और फिर भी हार गई। ओ अब बोलो, एकदम चिल्ला के बोलो, सब्सक्राइब टू निशु तिवारी व्लॉग्स। गाइस चार लोग आउट हो चुके हैं, अभी भी छह बाकी है। कोई तो पकड़ लो यार, वेट कर रहा हूँ कब से। किसी को मैं ना दिख जाऊँ उससे पहले मैं छुप जाता हूँ। थैंक यू सो मच भैया जी, शुक्रिया भैया पानी लेकर आए। भैया ओके, लव यू अभी आपको, थैंक यू। भाई मैं जा रहा हूँ नीचे, जैगो भैया हमारी टीम। भाई किचन एरिया में भी कोई हो सकता है, पहले भी यहाँ आए थे बट दोबारा ढूंढने। भाई मैं अभी नीचे आ चुका हूँ, जैगो भैया को मैंने ऊपर छुपा दिया ताकि मैं नीचे स्पेक्टेट कर सकूँ अगर कोई चांस होता है पकड़ने का कुछ करने का। कोई नहीं है भाई, ने बोला उस शटर के अंदर चले जाओ। और मैं आदमी ढूंढ रहे, इंसान बैलेंस क्या हो गया यार, जवाब दे, भंडारा नहीं खाना क्या? जवाब क्यों नहीं आ रहा? मैं अपने वापस वहीं चला जाता हूँ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने घर में क्योंकि मेरे को अपने घर की बहुत याद आ रही। भाई मैंने ना मोस्टली जगहों पे देख लिया पर पता सीन क्या है, ये लोग बहुत तेज और बहुत दिमाग से काम ले रहे हैं। मुझे भी दिमाग लगाना पड़ेगा और मुझे हर वो जगह बार बार चेक करनी पड़ेगी जहाँ ये छुप सकते हैं या जहाँ मैंने पहले चेक कर लिया है। शर्मा भाई हार चुका हूँ, निशु तू मेरे पास है, आप लोग को यकीन और तो बोलो भाई। भाई तुम्हारा एक और खिलाड़ी गया, इनको ढूंढने के चक्कर में एक बार हालत देखो मेरी। हमारी तो हालत खराब ही नहीं ना, हम तो मोज ले रहे थे, अंदर एसी लगवा रखा है तुमने। बेचारे ने इतनी मेहनत करी फिर भी बाहर हो गया। हम सिर्फ पाँच लोग बचे हैं, मिट्टी मिट्टी हो गया हूं। ओ भाई टक दिया, चलो ठीक है। गाइस पांच कंटेस्टेंट हो चुके हैं गेम से बाहर और अब टाइम है हमारे दूसरे मास्टर स्ट्रोक का। भाई आप सारे मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब तुम गेम में बचे हो सिर्फ पांच लोग और अब मैं दे रही हूँ एक बार फिर से तुमको बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी यानी कि दूसरे मिस्ट्री बॉक्स का मौका। थैंक यू ऑल और नथिंग भाई। भाई अगर तुम में से कोई भी अभी भी इस गेम से आउट होना चाहता है तो वो यहाँ पे जिप लाइन एरिया में आ सकता है, मिस्ट्री बॉक्स लेकर गेम से बाहर हो सकता है। भाई अब हम निकल रहे हैं, हमारा हो गया डन, बहुत देर हो गई यार। मैं आ गया, उधर आना है क्या? भाई कोई तो आ रहा है पर मुझे नाम नहीं, यहाँ पे ना सिग्नल का प्रॉब्लम हो रहा है, नाम नहीं बताया उसने कौन आ रहा है। ओ भाई साहब तुम बाहर आ गए मिस्ट्री बॉक्स के लिए, तुम मिस्ट्री बॉक्स के लालच में बाहर तो आ गए पर तुम्हें नहीं पता यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट। वो क्या है मैम? वो ये है कि मैं तुमसे अभी करवाऊंगी एक टास्क, अगर वो टास्क तुम कंप्लीट कर देते हो तो ही तुमको मिस्ट्री बॉक्स मिलेगा। टास्क ये है कि देखो तुम्हारे सामने वो स्टंप लगी हुई है, अगर तुम तीन बॉल में से दो बॉल भी उस स्टंप पे मार देते हो तो वो मिस्ट्री बॉक्स आपका हो जाएगा। अच्छा, और अगर नहीं मार पाते हो तो इनाम तो गया ही गया है, मिस्ट्री बॉक्स भी हाथ से जाएगा। वैसे तीन में से अगर एक लग जाए तो
दो तो चाहिए, एक एक काफी। चलो चलो तीन में से एक, चलो ठीक है ठीक है, आ जाओ चलो। पक्का? ओह चूक गई, सेकंड बॉल। अरे यार ये तुम्हारा आखिरी शॉट। चलो भाई लग गया फाइनली। लाओ भाई मिस्ट्री बॉक्स ले आओ। अरे गज्जू भाई का मिस्ट्री बॉक्स। यस मेरे को अभी दो दिन पहले मिला मेरे को ये। दो दिन पहले मिला, आज फिर मिल गया। चलो जी अनबॉक्स करते हैं। ध्यान से दीदी, अब ये मेरा है। ओके गाइस हमको यहाँ पे एक स्टीयरिंग व्हील मिला है। सही है यार, क्रेजी विद दिस गियर शिफ्टर। चलो भाई सरप्राइज बॉक्स अपना मिल गया हमको, ये स्टीयरिंग व्हील। थैंक यू दीदी फॉर दिस। भाई सारे ध्यान से सुन लो, अब गेम में बचो तुम चार लोग। और यार तुम चारों ना बहुत तेजी दिखा रहे हो, मतलब जहां तक मैंने सोचा नहीं था ना उतना दिमाग तुमने लगाया है छुपने में। और तुम्हें ढूंढना यार थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अब हम 5 मिनट के अंदर अंदर पूरे वाटर पार्क में ड्रोन उड़ाने वाले हैं। मेरे को मेरे आउट होने के सार पूरे दिख रहे हैं। थोड़ी देर में ड्रोन आ रहा है तुम्हारे पास, देखते हैं कहाँ कहाँ छुपे हैं। निशु तिवारी के ड्रोन के सामने कोई भाग सकता है क्या? ना तो निशु तिवारी के ड्रोन के आगे से कोई भाग सकता है, ना ही मेरी आंखों से कोई बच सकता है। भाई शाम हो गई और ये चार बंदे मुझे अभी तक मिल नहीं रहे। मेरी बैंड बज गई, इनको ढूंढ ढूंढ के पैर ऐसे दुख रहे ना। और कोई बात नहीं, मुझे बार बार इस वाटर पार्क का चक्कर लगाना पड़ रहा है, वो भी पूरा पूरा एक बार और सही। भाई यहाँ पे तो सब खाली हो गया यार, खाना वाना कुछ भी नहीं है, बंदे कहाँ से मिलेंगे मुझे? मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत खराब है। दीदी प्लीज पैसे दे दो। 10,000 दे दो उसको, टीवी दे दिया दीदी प्लीज, आपके पैर भरता हूं दीदी, कुत्तों दे दो यार। ऐसे खाली आज जाता हूं अच्छा लगूंगा आपको, बताओ। इनको ढूंढने में मेरी इतनी बैंड बजी है और अब ये कह रहे हो मैं कुछ दे दो, क्या दे दूं? भाई तुम्हारा एक और खिलाड़ी गेम से बाहर हो चुका है, वैलेंस कुंद्रा। वैलेंस पकड़ा गया, मैं अभी भी बचा हुआ हूँ, मुझे पता नहीं कैसे बचा हुआ मैं। अब अपडेट ऐसा है कि हम तीन ही बचे हैं, तुम्हारा भाई टॉप 3 में है। गाइज मैंने पूरे अम्यूजमेंट पार्क में देख लिया, बस ये तीन बंदे अभी भी पता नहीं कहाँ छुपे हुए, कौन से तालाब में पताल में गए, जो मुझे मिल ही नहीं रहे। इनके मेरी बैंड बजा दिया, बट कोई बात नहीं, ये अपनी जिद पे अड़े ना, अब मैं भी अपने ऊपर आने वाली हूँ। भाई अब चाहे मुझे कितनी ही गंदगी पे उतरना पड़े पर इनको तो मैं ढूंढ के रहूंगी। भाई चप्पल नहीं पहन रखी, ऊपर से भाई मेरे को डर लगा है कीड़े वीड़े ना हो इसमें। भाई साहब ये तीन बंदे इस वाटर पार्क में से कहाँ गायब हो गए हैं, इसमें है भी कि नहीं है? और यहाँ मैं हार मानने ही वाली थी पर तभी मुझे दिखी ये उम्मीद की किरण। यार भाई इसके ऊपर ना कोई स्पोर्ट हुआ है, ठीक है, और मुझे नहीं पता इन तीनों में से कौन सा वाला है। मैंने कहा था वाटर पार्क में छुपना है, छत पे कौन छुपता है? वाटर पार्क की छत ही है, यहाँ पे वेव पूल है नीचे, पता? भाई 6 घंटे से इसी पोजीशन में हूँ,
बॉडी टूट चुकी है गाइस। दोपहर 12 बजे से इनको ढूंढ रही हूँ भाई, अब रात हो गई है, इनका अब मिलना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि अब रात हो गई, अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा, वाटर पार्क की सारी लाइटें बंद हो गई, अब तो ये नहीं मिलेंगे, ये तो मुझे समझ में आ गया है भाई। अब मैं इनको एक लास्ट ऑप्शन देने वाली हूँ, अगर ये वो ऑप्शन मानते हैं तो ठीक है, वरना यार मुझे लगता है इनको ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाएगी और मेरी बैंड बजने वाली। भाई सुनो, तुम दोनों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सुनना यार। देखो रात हो गई है और मुझे पता है कि तुम दोनों ने बहुत दिमाग लगा के एक जगह ढूंढी है छुपने के लिए, तो मैं तुम्हें एक लास्ट ऑफर देना चाहती हूँ भाई। मैं ना तुम दोनों को ही इक्वली विनर डिक्लेयर कर सकती हूँ, और अगर तुम चाहो तो तुम अपना अमाउंट, विनिंग अमाउंट 50-50 कर सकते हो और बाहर आ सकते हो अभी इसी वक्त। दोनों अगर आपस में कोई भी मांडोली करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये ऑफर हम तुम्हें दे रहे हैं। चिमकांडी भाई कर लेते हैं, क्या बोलते हो? क्या बोले अभी, दोनों भाई विनर बनेंगे। आयुष भंडारी तुमने क्या सोचा भाई? मेरी तरफ से तो है, मेरे को 100 मच्छरों ने काट दिया है और इससे ज्यादा तो मैं हॉस्पिटल चले जाऊंगा। तो भाई चिमकांडी क्या सोचा है फिर? मंजूर है ऑफर, आ जाओ फिर, मिलो मेरे को ये कैफेटेरिया में। ओह माय गॉड, लेट्स गो। तो अब हम दोनों ही विनर बन गए हैं, मैं जीत गया, मैं लेट्स गो। अब अपने भाइयों से मिलेंगे जो हार गए थे। लेट्स गो भाई, पहली बार तुम्हारा भाई किसी चीज पे जीता है। ओ, ये दोनों बनते हमारे आज के चैलेंज के विनर और इनको मिलते हैं पूरे 1,00,000 रुपए। yes! तो भाई थैंक यू सो मच, मैं घर जाता हूँ, सारे हो गया अब तो गाइस। ये लोग तो अपना कैश प्राइज लेके अपने घर भाग गए, पर आप लोग भी ऐसी बहुत सारे कैश प्राइजेस जीत सकते हो ICC वर्ल्ड कप के मैचेस को पारी मैच पे प्रिडिक्ट करके। लिंक डिस्क्रिप्शन में, रजिस्टर नाउ।